आइए हम जाने भारत में बेरोजगारी के पांच कारण। पहला जनसंख्या। जनसंख्या या जैसा कि ये कहते हैं अधिक जनसंख्या हमेशा कई मुद्दों के साथ बाधा होती है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी आश्रय से लेकर भारत में युवा बेरोजगारी तक शामिल है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 135 करोड़ लोग रहते हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मांगें पूरी होंगी। आबादी बुनियादी खाद्य पूर्ति और चिकित्सा के उपचार को पूरा करने में शामिल है। नौकरी और प्लेसमेंट की तो बात ही छोड़ दी। भारत में एक युवा आबादी और युवा बेरोजगारी की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल उच्च शिक्षा स्तर पर नामांकन 8 से 9% की वृद्धि देखी जाती है। भारत में उन 5 देशों में शामिल है जहां विश्वविद्यालयों में जाने वालों की छात्रों की संख्या तो सबसे अधिक है, पर समस्या यह है कि अवसरों की समान वृद्धि नहीं होती है। स्नातकों की आपूर्ति वहाँ की मांग से अधिक है और अंतर यह विशेष रूप से मंदी के समय में और बढ़ जाता है, और जब कंपनी संगठनों की ढहती अर्थव्यवस्था से निपटना मुश्किल हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के छटनी होती है और नई नियुक्तियां दूर ही रह जाती हैं। दूसरा कारण है निम्न संस्थान या कम गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय। जब हम अपने संस्थानों की तुलना वातावरण